अब हम देखते हैं कि आ, माइग्रेशन की स्ट्रीम क्या होती है प्रवास की धारा या प्रवृत्ति किस किस दिशा की तरफ प्रवास होता है इसमें भी हम कई आ, हमको भिन्नताएं देखने को मिलेंगी आ, जैसे हम गांव से गांव की तरफ प्रवास होता है गांव से नगर की तरफ प्रवास होता है आ, नगर से नगर की तरफ प्रवास होगा नगर से गांव की तरफ प्रवास होता है तो इसमें अधिकता किसकी देखने को मिलेगी इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जैसे अधिकतर जो हम गांव से गांव की तरफ जो प्रवास होता है उसमें हम देखेंगे स्त्रियों की या महिलाओं की संख्या जो है उसका प्रतिशत जो है वो अधिक होता है वो क्यों क्योंकि आप महिलाओं की शादी होती है और हम अपने भारतीय समाज में देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं तो एक गांव से दूसरे गांव में खास करके ग्रामीण महिलाओं में हम ये देखेंगे प्रवृत्ति या इसका प्रतिशत हमें अधिक देखने को मिलता है तो गांव से गांव की तरफ महिलाओं का जो प्रवास है वो अधिक होता है और इसका कारण होता है विवाह फिर हम देखते हैं गांव से नगर की तरफ तो गांव से नगर की तरफ जो प्रवास होगा उसमें पुरुषों की संख्या जो है या पुरुषों का प्रतिशत हमें अधिक देखने को मिलता है क्योंकि गांव से नगर की तरफ जो प्रवास होगा वो या तो रोज़गार की तलाश में होता है या फिर और उच्च शिक्षा जो है प्राप्त करने के लिए गांव से नगर की तरफ लोग जो है प्रवास करते हैं हम अक्सर ये देखेंगे कि गांव में आपको स्कूल शिक्षा तक जो है स्कूली शिक्षा की व्यवस्था आपको मिलेगी लेकिन हमको और उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमें उस गांव से बाहर जाना पड़ेगा या उच्च शिक्षा के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो यदि हमें करने हैं तो हमें उस गांव से नगर की तरफ प्रवास करना होता है क्योंकि नगर में हमको ये सारी सुविधाएं उच्च शिक्षा से संबंधित सुविधाएं जो हैं वो हमको वहीं पर मिलते हैं और दूसरी चीज़ रोजगार की तलाश में पुरुष जो हैं वो रोजगार की तलाश में गाँव से नगर की तरफ जाते हैं क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर जो हैं वो बहुत कम होते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले इसमें चर्चा भी की थी विशेषकर हम अपने छत्तीसगढ़ में आ, देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्रायः धान की जो है वो एक ही फसल ली जाती है तो आ, वो जो छः महीने हैं वो लोग क्या होते हैं बेरोज़गार हो जाते हैं तो उस समय में भी तो छः महीने भी तो उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करना है तो उसके लिए क्या चाहिए पैसे चाहिए आय चाहिए तो काम तो चाहिए ही उन्हें इसलिए वो गांव से नगर की तरफ जो है वो प्रवास करते हैं और जब वो नगर में जाते हैं तो उन्हें रोजगार के बहुत जो अवसर हैं वो मिल जाते हैं कहीं पर जैसे लड़कियां हैं तो वो घर में एक दूसरे के घर में आ, काम कर लेंगी और यदि हम लड़कों या पुरुष की बात करें तो कोई बढ़ई का काम कर रहा है कोई मिस्त्री का काम कर रहा है मतलब कोई कारपेंटर है बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं यदि हम थोड़ा और एजुकेटेड हैं तो हमें अपने कंप्यूटर से संबंधित या किसी ऑफिस या कार्यालय में वो कार्य कर सकते हैं ये एजुकेशन के ऊपर या शिक्षा के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें किस स्तर का कार्य वहाँ पर मिल रहा है लेकिन हम शहर में जाएंगे तो हमें वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन रोज़गार से संबंधित मिलते हैं इसलिए विशेषकर पुरुष जो हैं वो गांव से नगर की तरफ प्रवास करते हैं मतलब हम या मैं ये कहूँ कि गांव से नगर की ओर प्रवास करने में पुरुषों का प्रतिशत जो है वो अधिक मिलता है अब नगर से नगर की तरफ भी प्रवास होता है तो ये तो हम अक्सर देखते हैं अगर हम बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल लें तो हम ये देखेंगे कि मान लो मेरा कोई जो भाई है वो ट्वेल्थ तक की एजुकेशन या शिक्षा उसने प्राप्त की और उसके बाद उसे और आगे जाना है हायर एजुकेशन में आईआईटी में आ, उसको एडमिशन लेना है या मेडिकल की किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में उसे पढ़ाई करनी है तो वो छत्तीसगढ़ या रायपुर से निकलकर दूसरे बड़े आ, स्टेट चाहे बेंगलोर चला जाए हैदराबाद चला जाए धनबाद चला जाए मतलब और जहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चाहे वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ से दूसरे राज्य की तरफ जो है वो प्रवास करेगा तो ये शिक्षा के भी कारण हो गया नगर से नगर की ओर प्रवास और साथ ही आ, आपके आ, हम ये कह सकते हैं सर्विस के लिए भी जो है वो आ, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ आ, जो है वो या एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास होता है जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है भारत की एल आप आ, बहुत अच्छे से सुने होंगे तो यहाँ पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो हम ये देखते हैं कि हर तीन साल में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो बहुत सारे सर्विस के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ फील्ड हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उस सर्विस पीरियड के दौरान आ, उन्हें ट्रांसफ़र या स्थानांतरण का सामना करना पड़ता है और इस वजह से भी वो नगर से दूसरे नगर की तरफ जो है वो प्रवास करते हैं अब हम देखते हैं और एक स्ट्रीम होती है इसकी नगर से गांव की ओर तो भाई गांव से नगर की ओर हमने देखा कि रोजगार के बहुत ऑप्शंस हैं आ, जो जीवन से संबंधित सुविधाएं हैं चाहे हम चिकित्सा सुविधा की बात करें आवास से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित बैंकिंग से संबंधित ये सारी सुविधाएं हमें आ, नगर में मिल रही हैं इसलिए हम गांव से नगर की ओर प्रवास कर रहे हैं लेकिन नगर से गाँव की ओर तो नगर से गाँव की ओर प्रवास आ, तब किया जाता है मान लो मैं अपने सर्विस के लिए आ, जो है आ, किसी शहर में गई है ना वहाँ पर आ, मैंने पूरे अपने सर्विस पीरियड के दौरान अपनी सेवा दी अब उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नगर में रहकर इतना प्रदूषण है चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो शांति नहीं है एकांत नहीं है वहाँ पर है ना सुकून नहीं मिलेगा हमें नगर या शहर में भीड़ भाड़ हम या ये कहें कि एक होड़ सी लगी होती है आगे जाने की तो हमें अब सुकून चाहिए क्योंकि मैंने अपने जीवन के सर्विस पीरियड की पूरी सेवाएं जो हैं वो पूरी कर ली हैं अब मुझे एकांत और सुकून में इतमान से अपने आगे का जो जीवन है वो व्यतीत करना है तो मैं क्या करूँगी कि अब वो पीरियड कंप्लीट होने के बाद मैं अपने जन्म स्थान या मूल निवास स्थान की तरफ जाऊंगी और अपना पूरा समय जीवन का जो बचा हुआ और समय है मैं वो वहीं व्यतीत करना चाहूंगी तो नगर से गांव की तरफ भी इस प्रकार से प्रवास जो है वो होता है तो ये स्ट्रीम हो गई या हम ये कहें कि प्रवास की प्रवृत्तियाँ हो गई कि किस किस तरफ जो है वो प्रवास होता है अब हम भारत के संदर्भ में थोड़ा देख लेते हैं कि यदि भारत में हम बात करें कि लगभग 50 लाख जो हैं प्रवासी या हम ये कहें आप्रवासी आते हैं तो वो 50 लाख अप्रवासी में भी लगभग 92 टू 90 परसेंट नब्बे से लगभग 95% परसेंट तक के जो व्यक्ति हम ये कहें कि आप्रवासी होते हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के होते हैं उन पड़ोसी देशों में भी कौन कौन से हैं हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ जो हैं जैसे बांग्लादेश हो गया और एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश से लगभग तीस लाख इसके बाद पाकिस्तान का स्थान आता है यहाँ से लगभग नौ लाख लोग इस इसके बाद पाकिस्तान के बाद नेपाल का स्थान है यहाँ से लगभग पाँच लाख लोग और इसके बाद क्रमशः तिब्बत से श्रीलंका से बांग्लादेश से अफगानिस्तान से ईरान और म्यांमार से लगभग 1.6 पॉइंट सिक्स एक दशमलव छः लाख शरणार्थी जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं जो आप्रवासी होते हैं भारत में और जहाँ तक भारत से उत्प्रवास इमिग्रेशन का प्रश्न उठता है तो हम ये देखते हैं कि ऐसा अनुमान है कि भारत के जो डायस्पोरा है डायस्पोरा मतलब जो भारत से भारत के तो मूल निवासी हैं और वो बाहर किसी दूसरे देश की तरफ जो हैं वो जाते हैं इसे हम भारतीय डायस्पोरा कहते हैं यहाँ के जो उत्प्रवासी हैं वो लगभग दो करोड़ लोग हैं जो लगभग एक सौ सो, सोलह देशों में उत्प्रवास करते हैं या वहाँ पर फैले हुए हैं अब हम बात करते हैं भारत में जो प्रवास में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है उसके विषय में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी कि महाराष्ट्र जो है वो इसमें पहले नंबर पर है तो हम ये देखते हैं कि कहाँ आप प्रवासी जो हैं किन राज्यों में सबसे अधिक होते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से हम देख पा रहे हैं महाराष्ट्र है दिल्ली है गुजरात है और हरियाणा यहाँ पर आप्रवासियों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है और आ, हम ये देखें कि लगभग तेईस लाख लगभग तेईस लाख आप्रवासी के साथ आ, जो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र राज्य जो है वो भारत में पहले स्थान पर है और उत्प्रवासियों के मामले में हम देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं प्रमुख रूप से जहां से लोग उत्प्रवास करते हैं दूसरे राज्यों की तरफ मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार से दूसरे राज्यों की तरफ जाते हैं चाहे वो रोजगार की तलाश में हो या अन्य किसी कारण से या सुरक्षा के कारण और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं अब हम ये देखते हैं कि पहले नंबर पर महाराष्ट्र और उसके बाद क्रमशः दिल्ली है गुजरात है और हरियाणा का स्थान आता है बच्चों हम सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे अपने जन्म स्थान से एक अलग सा अटैचमेंट होता है जो उसका मूल निवास स्थान होता है वो भावनात्मक रूप से अपने मूल निवास या अपने जन्म स्थान से अपनी जन्मभूमि से जुड़ा होता है भावनात्मक लगाव होता है उसका तो फिर भी लोग जो हैं अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवास प्रवास यदि कर रहे हैं तो कुछ कारण होते हैं उसके किसी कारण से वो प्रवास करते हैं या अपने जन्म स्थान से बाहर दूसरे क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो ये प्रवास के कारण हैं हम बात करते हैं प्रवास के कारण पर तो इसके आ दो फैक्टर्स होते हैं प्रवास के कारण के पहला तो एक पुश फैक्टर होता है पुश मतलब धक्का देना है ना तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कुछ कमियाँ होंगी या सुविधाओं का अभाव होगा जिसके कारण वो जगह वो राज्य जो है वो अपने निवासियों को बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है या हम ये कहें कि लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने का कारण बनता है वो पुश फैक्टर कहलाता है और दूसरा होता है आ, पुल फैक्टर पुल मतलब खींचना अपनी तरफ आकर्षित करना तो आ, ऐसे कारण जो अलग अलग स्थानों से क्षेत्रों से या हम कहें राज्य या देश की बात करें आ, किसी स्थान से अलग दूसरे स्थान या देश से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ऐसे कारण जो हैं वो पुल फैक्टर में आते हैं तो हम दो, आ, दोनों की ही बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पुश फैक्टर होते हैं जो लोगों को अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं तो पहला हम देख लेते हैं मतलब बहुत से ऐसे कारक होते हैं चाहे हम युद्ध की बात करें प्राकृतिक आपदाओं की बात करें वो विवाह भी एक कारण हो सकता है शिक्षा का अभाव रोजगार का अभाव चिकित्सा सुविधाओं का अभाव ये कुछ जो फैक्टर्स हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि पुश फैक्टर में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी हम और पहले भी अभी चर्चा कर चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या गांवों में जो है वो रोज़गार के हमको बहुत कम अवसर मिलते हैं इसलिए लोग और विशेषकर पुरुष जो हैं वो गांव से नगर की तरफ प्रवास करते हैं रोज़गार की तलाश में अब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हो रहा है काम नहीं मिलना दूसरा आ, इसका और कारण होता है कि नियमित कार्य नहीं मिलता ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसके लिए भी नियमित कार्य की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की तरफ जो लोग हैं वो प्रवास करते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही होगा आपके ग्रामीण क्षेत्र में किसी बड़ी या गंभीर बीमारी का आपको इलाज कराना है या आपको 24 फोर आवर्स जो है वो चिकित्सा सुविधाएं चाहिए और आ, अच्छी फैसिलिटी चाहिए उसके लिए तो आपको शहर या आसपास के नगर की तरफ ही प्रवास करना पड़ेगा तो हम ये देखते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित हम इस बारे में और पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा के भी कम अवसर जो हैं या कम शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो हमको गांव में आ, उपलब्ध होते हैं तो शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण भी लोग अपने मूल जो ग्रामीण क्षेत्र उनका होता है उससे किसी नगरी क्षेत्र की तरफ प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बाढ़ सूखा अकाल पड़ जाता है जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं ये किसी भी प्रकार से तूफान की स्थिति हो गई कोई चक्रवात आ गया भूकंप आ गया जिससे वहाँ पर का पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है तो अपने जीवन को फिर से पटरी पर बैठाने के लिए पटरी पर लाने के लिए उन्हें दूसरे क्षेत्रों की तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो ये हो गए पुश फैक्टर अब हम पुल फैक्टर्स की बात करते हैं वो स्थान जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है आप के लिए तो इसमें हम देखते हैं कि नगरों में शहरों में जो है वो रोज़गार के मतलब पुश फैक्टर के विपरीत होगा या हम ये कहें उसके जस्ट अपोजिट हमने ये देखा था कि रोज़गार की कमी थी वहाँ पर और नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के बहुत से अवसर जो हैं वो प्राप्त होते हैं आपकी शिक्षा के स्तर के आधार पर आपको अनेक रोजगार के अवसर या कार्य के अवसर वहाँ पर मिलेंगे जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं आप्रवास करने के लिए या वहाँ पर आने के लिए इसके बाद हम देखेंगे कि नियमित कार्य मिलता है नगरी क्षेत्रों में ब्रेक नहीं होता जैसे अभी और हमने चर्चा की थी कि कृषि का भी है तो जिन क्षेत्रों में छः ही महीने या एक फसल ली जाती है तो बाकी के जो छः महीने हैं वो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं तो नियमित कार्य वहाँ पर नहीं मिला लेकिन शहरी क्षेत्रों में हम देखेंगे कि नियमित काम जो है वो वहाँ पर मिलता है चाहे आप किसी भी संस्था किसी कार्यालय घरों में किसी कोई कारपेंटर का, का काम कर रहे हैं मिस्त्री का, का काम कर रहे हैं किसी भी तरह का आप कार्य कर रहे हैं तो साल भर नियमित कार्य जो है वो आपको मिलेगा इसलिए वो शहर या नगर जो है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है हम अपने भारत देश में मुंबई का भी हमने बात भी की थी कि महाराष्ट्र में ही अकेले तेईस लाख जो है आप्रवासी के साथ वो पहले स्थान पर हैं तो मुंबई इसमें बहुत आ, मुंबई महानगर जो है वो चर्चा में रहता है वहाँ इतनी भीड़ है लोगों की इतनी भीड़ है कि लोग वहाँ पैदल नहीं चलते लोग दौड़ते हुए नज़र आएंगे आपको लेकिन इतनी भीड़ के बाद भी वो लोगों को कार्य के लिए आकर्षित करता है वो महानगर जो है इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा पुल फैक्टर है आपका वो आ, वेतन अधिक मिलता है है ना तो आ, हम जनरल कंपैरिजन यदि सामान्य तुलना भी करें एक कोई मज़दूरी एक दिन आपको मजदूरी कराना है किसी मज़दूर को तो गांव में अगर उसी कार्य को करने के लिए हम सौ रुपये देकर उस मजदूर को दिन भर कार्य कराएंगे, तो वहीं शहर में या नगर में वो कार्य कराने के लिए हमें तीन सौ रुपये देने पड़ेंगे और किसी भी संस्था में भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर मजदूरी या हम सैलरी कहें या वेतन की यदि हम बात करें तो वो शहरों में अधिक मिलता है उसकी दर जो है वो शहरों में अधिक होती है गांवों की अपेक्षा इसके बाद शिक्षा के बेहतर अवसर मिलते हैं आपको किसी भी स्ट्रीम को पकड़ना है अपने एजुकेशन के लिए जिस धारा से आपको जुड़ना है तो आप शिक्षा के बहुत सारे अलग अलग अवसर आपको मिल जाएंगे चाहे हमने भी बात की कि, कि किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम चाहे मेडिकल फील्ड में चाहे इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में चाहे आपको साइंटिस्ट बनना है हर तरह के फील्ड में आपको जाना है किसी भी प्रकार के तो शिक्षा के अलग अलग, अलग और बेहतर अवसर जो हैं वो आपको शहरों में या नगरों में प्राप्त होंगे इसके बाद अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ आपको देखने को मिलेंगी जीवन प्रत्याशा आप शहरों में बढ़ जाएगी क्योंकि आ, कभी भी किसी भी इमरजेंसी की जरूरत आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ रही है तो शहर में ही आपको 24 फोर आवर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं या किसी भी बीमारी से संबंधित मेडिकल फैसिलिटी की हम बात करें तो गांवों में वो चीज़ हमको ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलेगी और नगरीय क्षेत्र में इसके हमको बेहतर सुविधाएँ जो हैं वो प्राप्त होते हैं अलग अलग डॉक्टर्स एक से एक डॉक्टर्स मिल जाएंगे एक से एक हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे बेहतर अवसर या हम बेहतर सुविधाओं की बात करेंगे वो शहर में हमको मिलते हैं इसके बाद मनोरंजन के अलग अलग साधन आपको मिल जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में एक टीवी आ, जो है वही आपके मनोरंजन का साधन होगा या आप दूसरे के घर चले जाइए कुछ गपशप मार लीजिए लेकिन हम आ, नगरीय क्षेत्रों में या शहरों में देखेंगे कि भाई आज छुट्टी का दिन है आज लीव पे हैं हम हमें और कुछ इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है तो आप मॉल चले गए घूमने है ना आ, पिक्चर देखने चले गए गार्डन में चले गए मतलब आपके पास बहुत सारे मनोरंजन के साधन भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे तो ये सारे आ, पुल फैक्टर्स हैं जो आ, शहर या नगरों की तरफ जो हैं लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ आने के लिए तो बच्चों ये हो गए कुछ पुश फैक्टर्स और कुछ हमने पुल फैक्टर्स की बात की और अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा तो की थी कि हर व्यक्ति को अपना जो जन्म स्थान है उसकी जो जन्मभूमि है वो बहुत प्यारा होता है उससे एक भावनात्मक जुड़ाव उसका उस व्यक्ति का होता है लेकिन भाई क्या कारण है जो हमने बात की कि भाई पुश फैक्टर्स आ, आ जाते हैं कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके कारण उन्हें अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है लेकिन वो एक अटैचमेंट जो है वो हमेशा रहता ही है इस बात को या हम ये कहें कि इस बात का अंदाज़ा अभी जो करंट एग्जाम्पल हमारे सामने था कोविड के समय का उससे लगा सकते हैं हमने देखा जो कोरोना महामारी के दौरान इतनी बड़ी संख्या में कई लाखों की संख्या में जो मज़दूर दूसरे स्टेट को गए हुए थे और जो लॉकडाउन हो गया और यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया वो अपनी जन्मभूमि तक नहीं पहुंच पा रहे थे और जहां पर वो गए थे वहां उन्हें दो वक्त खाने के भी लाले पड़ गए थे आवाज़ तो बहुत दूर की बात है उन्हें भोजन के जो है भोजन तक की सुविधा जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी वो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे थे अपने बच्चों की भूख को शांत नहीं कर पा रहे थे और वो कैसे छटपटा रहे थे कि किसी भी तरह वो अपनी जन्मभूमि अपने मूल निवास स्थान तक पहुंच जाएं लेकिन वो मजबूर थे अपने कई ऐसे एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे न्यूज़ चैनल में देखे होंगे और सुने होंगे जो बहुत चर्चा में थे हमने देखा था कि राजस्थान का जो एक दंपति है जो दिल्ली कार्यवश गए हुए थे रोजगार की तलाश में वो इस कोविड के दौरान लगभग अपने दो छोटे बच्चों के साथ 300 किलोमीटर पैदल दूरी जो है यात्रा करके अपने मूल निवास स्थान पर वो पहुँचे तो ये जो उन्हें कठिनाई हुई इस बात का तो अंदाज़ा हम लगा सकते ही हैं लेकिन हमें ये बात सोचनी है कि वो कितना एक जो जुड़ाव है उनका अटैचमेंट है अपने जन्म स्थान से वो कैसा था और जब हम किसी भी परेशानी में होते हैं किसी कठिनाई में होते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने जन्मभूमि को याद करते हैं जैसे अब आप अपने घर से बाहर हैं है ना? और घर के बाहर आपको चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रात की सुकून भरी नींद हम अपने घर में पहुंच जाएँ और वही हमें जो है आ, एक सुकून की नींद अपने घर पे ही रात की जो है वो आती है है ना चाहे कोई आपको बहुत लाड प्यार कर ले, लेकिन माँ का जो प्यार होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता तो हमारी जन्मभूमि हमारी माँ ही तो है उसने हमें जन्म दिया है उसके धरती पे ही उसने अपनी छाँव दी है पेट की भूख को हमारे शांत किया है तो हम मजबूरी वश तो जा रहे हैं दूसरे स्थान पर आ, किसी रोज़गार की तलाश में या किसी भी कारण से हम जा रहे हैं कुछ बेहतर करने की तलाश में लेकिन जन्मभूमि से हमारा जुड़ाव या जो हमारा लगाव है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता अब हमने ये जो पुश और पुल फैक्टर्स की बात की थी तो हमने इसमें देखा कि किसी भी स्थान पर आ, कम अवसर हैं कम अवसर हैं या कम सुरक्षा है भाई अवसर अधिक मिल रहे हैं आपको किसी भी प्रकार से नौकरी मिल जा रही है रोजगार मिल जा रहा है तो आपको सुरक्षा मिल रही है क्योंकि आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो गया तो जहाँ पर कम अवसर मिल रहे हैं वहाँ पर भविष्य के लिए सुरक्षा हमें कम मिल रही है और जहाँ पर बेहतर अवसर मिल रहे हैं बहुत सारे अवसर आपको मिल पा रहे हैं तो वहाँ पर आपका फ्यूचर आपका भविष्य भी जो है वो सुरक्षित हो गया तो ये कुछ बातें हैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ खींचते हैं